आपका रिस्पॉन्स अच्छा था और भी अच्छा हो सकता है. जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारे देश में सिनेमा से बहुत प्यार है, लेकिन वो सिनेमैटिक कल्चर अभी बना नहीं है. अभी 5, 6, 7, 10 साल लगेंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक हुआ समझ नहीं है कि सिनेमा खाली देखने से कल्चर नहीं बनता. उसका जो सारा रिश्ता होता है म्यूज़िक से, डांस से, फिलोसफी, पोइट्री, लिटरेचर, आर्किटेक्चुरल हेरिटेज, ऑल दी आर्ट्स, जब तक ये सारा फैमिली एक साथ जुगलबंदी में ना खेले, वो जो इन्फ्लुएंस है क्रिएटिविटी का, सिनेमा का, क्रिएटिव प्रोसेसेस का, वो देश के नौजवानों में घुस नहीं रहा है. तो उसको चेंज करने के लिए, उसका एजुकेशनल फ्रेमवर्क चेंज करने के लिए, उसका सोचने का तरीका चेंज करने के लिए, वो जो रिश्ता है दूसरों देशों के साथ, रिश्ता जो है अदर डिसिप्लिन्स के साथ, रिश्ता जो अपने हेरिटेज के साथ है, कि आप सेलिब्रिटी के कारण किसी चीज़ को प्यार नहीं करते, आप प्यार करते हो क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है. ये जो नॉस्टैल्जिया लाता है, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लाती है, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है देश को बनाने के लिए. और सिनेमा ऐसा डिसिप्लिन है जो हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर सवाल जो इंडिया ने उठाया है, सिनेमा ने जवाब देने की कोशिश की है. द खजानशी पोस्टर, द ओरिजिनल होर्डिंग्स फॉर अंदाज, दीवाज ओरिजिनल होर्डिंग, द जुबली ट्रॉफीज, दीवाज जुबली ट्रॉफी, अ लॉट ऑफ जुबली ट्रॉफीज डिड वेरी वेल. दे बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स अ वेरी यूनिक आर्ट वर्क. जो कारीगर का काम होता है जुबली ट्रॉफी बनाने में, वो इट्स अ वेरी यूनिकली इंडियन sensibility. So that will catch on, and museums are beginning to buy it. The Bobby's Golden Jubilee Trophy sold very well to a very good collector. So did Ram Teri Ganga Maili, so did Lavares, so did Diwar. So there is progress. देखिए, अकेलापन तो सबका है. हर आदमी और औरत और बच्चा और जानवर अकेला ही रहता है. धीरे धीरे लोग आ जाते हैं, या लोग आए, हजारों लोग. देखिए, कोई अकेलेपन की बात नहीं है. अकेलापन नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि फिर कोई ज़रूरत नहीं होती काम करने की. आपको समझना चाहिए कि जो भी काम होता है देश में, वो हमेशा अकेलेपन से ही स्टार्ट होती है. ये हमारा इतना ऑब्सेशन हो गया पॉपुलैरिटी से, कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट से, मेजॉरिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी है. लेकिन ये इसका एक्चुअल मूल्य बहुत कम है. आदमी या औरत जो भी काम करते हैं, जो भी फील्ड में हो, अकेलापन इज 90% ऑफ द प्रोसेस. एंड यूजुअली द कलेक्टिव कम्स इनटू प्ले व्हेन आइदर यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड और इट इज़ ऑब्वियस टू एवरी टॉम, डिक एंड हैरी व्हाट द वर्क वाज अबाउट. बेटा, मेमोरबिलिया का मार्केट खत्म हो गया आफ्टर द 1980s बाय एंड लार्ज, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द जो हाथ का कमाल है वो निकल चुका है. आजकल कंप्यूटर के जो टेक्नोलॉजीज है, मेमोबिलिया उससे बन रहा है. तो वो कोई चीज़ नहीं है जो कलेक्टर चाहता होगा म्यूज़ियम के लिए. और इसलिए मेमोबिलिया आप हॉलीवुड का भी देखिए, जो मेमोबिलिया बिक रहा है आर द प्रॉप्स, द स्कल्पचर्स. सो इफ यू सी टर्मिनेटर, एलियन, स्टार वॉर्स, ऑल द साइंस फिक्शन मूवीज विच क्रिएटेड यूनिक प्रॉप्स, सो द ओरिजिनल आर्ट वर्क्स which made those props, they are selling. So unless Indian special effects start changing, and those special effects, the costumes, the masks, the backdrops, ye ban sakte hain memorabilia baad mein. Lekin wo artistic jo process hai, wo abhi kamzor hai desh mein. Improve karne ke liye bahut si cheeze ki zarurat hai beta. Most important is that there has to be a coming together of different art forms. Unless the visual arts, the fine arts, the performing arts, the cinematic arts, poetry, literature, philosophy, music, they don't start working together at the highest level. Not for the sake of box office, not for the sake of just because I need to collaborate, because I want to create something unique. Because jo aadmi dekhta hai, unka sochne ka tarika alag hai. जो आदमी परफॉर्म करता है उनके सोचने एस्थेटिक सेंसिबिलिटी अलग है. जो आदमी सुनाई देता है अलग से. हर आदमी का सेंसिबिलिटी एक बार अंदर बीच में मर्ज हो जाए, तब क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है. वो नहीं हो रहा है. जो
उनका डूडल है वो फिल्म क्रिटिक से आया था। देखिए, सब में कलाकार है। हर आप सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आदमी ने डूडलिंग स्टार्ट किया था जब वो 7 साल की उम्र से थे, तो हर व्यक्ति में ये कलाकार है। कैसे वो दिखाए, किस स्टेज पे नज़र आता है, ये दूसरी बात है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। वो डिपेंड होता है कि हमारा सेंसिबिलिटी क्या है, देश क्या वैल्यू देता है, और वो चीज़ें अभी इंडिया में बहुत कमज़ोर हैं। उनको बदलने के लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं, और वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ रहे सब। देखिए, अभी मकसद है, अभी हम वापस आ रहे हैं, पहले हमारे सारे रीबिल्डिंग प्रोसेस को अब पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं, और अब आपको देखेंगे, अब हम बोलेंगे नहीं, 15 साल बोल चुके हैं, अब आप देखना क्या होगा। द मिनट आई रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट सच एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग, आई वाज वेरी इंट्रीग्ड, बिकॉज आई थिंक इंडियन सिनेमा एंड इंडियन फिल्म्स एंड बॉलीवुड plays such an important part of the Indian culture, and people are so crazy about it. We're over a century old, but I feel that nobody really gives everything that kind of respect that it requires to keep everything for posterity. And I feel all these things are actually too valuable to even put a number to it. So I think the Oceans Group and Neville Tooley in particular is doing an excellent job of this, because all these things that we saw inside are one of a kind, because earlier there wasn't any mass printing, etc. Things were handmade and they were on paper, so it's so easy to lose things. But to keep them, to preserve them, and then to display them and have an auction like this where we see so many people bidding and so much interest about it, I think it's a very, very important part of our culture, and kudos to them for doing such a great job of preserving it.